वो दौर अच्छे थे जब मकान कच्चे और लोग मन के सच्चे थे। मोबाइल के बेहंगम इस्तेमाल पर 85 साल बाबा गौस बख्श नई नस्ल से नाला है। बताएंगे इमरान अरशद। ओए चलो ठीक तनु आधा पिया। इंटरनेट तरक्की और दौरे जदीद से कोसों दूर बाबा गौस बख्श ने हुक्का आज भी सीने पर सजा रखा है और वो अपने जानवरों के साथ बहुत खुश हैं। नई नस्ल का शौक ही निराला है, घर में सिफर मगर समाजी राबतों पर खूब बोल बाला है। मैं आंदा प्यारा तो ठीक है, चौबीस घंटे तस्वीर अंदर लग गए पायो। चलो चौबीस घंटे तस्वीर लाई खड़े रुको। बाबा जी तस्वीर देखो माज दी किवें आई है। माज खावणी है तस्वीर है। काम के ना काज के सेल्फी से शुरू होते हैं आजकल दुश्मन नाज के। पानी वाल बाद पेने पे तस्वीर छक ले जा। काम करो ननु पानी पिलाए ते पट्ठे पाए जलती हो वो। वर्ल्ड एल्डर्स डे के मौका पर बाबा गौस बख्श अपने दौर को याद करते हुए फखर महसूस करते हैं। सादा दौर चंगाई की कर तले सुत्ता जान छुड़ाई, हुण मोबाइल दा दौर आ गया, कोई सानू तो समझ ही नहीं आंदी की चक्कर है। उठो पट्ठे पाए बस करो। तू जा यार, तू जा, तू जा यार, सुने वन्यो वन्यो काम करो। एक मिनट बाबा जी, मैं तुहाडे फुके दी तस्वीर बना लवां देवणी इंटरनेट ते। ओए चल उठी तनु आधा पिया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने समाजी राबतों के करीब जबकि पास बैठे शख्स से बहुत दूर कर दिया है। दौरे जदीद ने साबित किया कि बुजुर्गों को आज भी ऐप की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। ए, बंद करो मोबाइल। कैमरामैन फैज वागा के साथ इमरान अरशद, लियो न्यूज़, मुल्तान।